जय श्री राम दोस्तों। वास्तुशास्त्र में घर की सीढ़ियों का काफ़ी महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि वास्तु के अनुसार यदि घर की सीढ़ियाँ सही दिशा में बनी हो तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और आपके हर काम बनते चले जाते हैं। लेकिन वहीं यदि घर की सीढ़ियाँ गलत बन गई हो तो आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं और सुख समृद्धि आपके घर से चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियों के बारे में जो महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स हैं उन पे बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय वास्तु विज्ञान के अनुसार घर की सीढ़ियों के लिए नैतृत्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिशा में सीढ़ी होने से घर प्रगति और अग्रसर रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण कभी भी नहीं करवाना चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य की हानि, नौकरी एवं व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिशा में सीढ़ी का होना अवनति का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण पूर्व में सीढ़ियों का होना भी वास्तु के अनुसार नुकसानदायक होता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर आप मकान में घुमावदार सीढ़ियां बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि सीढ़ियों का घुमाव सदैव पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व की ओर होना चाहिए। चढ़ते समय सीढ़ियां हमेशा बाएं से दाईं ओर मुड़नी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। जो लोग खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और किराएदार को ऊपरी मंजिल पर रखते हैं उन्हें मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियों का निर्माण कभी भी नहीं करवाना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सीढ़ियों के आरंभ और अंत में हमेशा आपको द्वार बनाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल एवं घर का बेकार सामान कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे रसोई घर या फिर बाथरूम भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। यह आपके घर की आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं। सीढ़ियों के नीचे फिश एक्वेरियम या फिर कोई भी ऐसी वस्तु ना रखें जो जल से संबंधित हो। तो दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और यदि आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय श्री राम दोस्तों।